लोग इवेपोरेशन के बारे में पढ़ाई करेंगे। बच्चों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी और सूरज है। जब सूरज की किरणें पानी पर पड़ती है तब पानी खौलने लगता है और हवा में जाने लगता है। इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। बच्चों, अब हम एक एक्टिविटी करते हैं। आप लोग एक बर्तन में थोड़ा पानी ले, फिर आप इसे गर्म करें। थोड़ी देर बाद आप लोग देखेंगे कि पानी से भाप आ रही है और धीरे धीरे पानी खत्म हो रहा है। अब आप लोग देख सकते हैं कि आप पानी खत्म हो गया है। इस एक्टिविटी से हमने यह समझा कि इवेपोरेशन के लिए गर्म तापमान का होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।